अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजे कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। तेज प्रताप का अजब गजब रंग, कभी जलेबी छानते तो कभी माला जपते नजर आते हैं। पतंग उड़ाने के दिन में आज घोड़ा दौड़ाने लगे। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव हमेशा चर्चे में रहते हैं। कभी जलेबी छानते हुए नजर आते हैं तो कभी माला जपते हुए, कभी साइकिल चलाने लगते हैं तो कभी भोलेनाथ के रूप में नजर आते हैं। अब मकर संक्रांति के दिन वे पतंग उड़ाने की बजाय घोड़ा दौड़ाने लगे। क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में चली गोली, दर्शकों के बीच बैठा युवक हो गया घायल। मैच के दौरान हुई गोलीबारी की घटना नवादा जिले की है, जहां बताया जा रहा है कि कॉलेज के समीप गुरुवार को एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था। मैच में रोमांच को देखने के लिए नारदीगंज बाजार निवासी दिनेश प्रसाद का 22 वर्षीय पुत्र बिट्टू कुमार भी शामिल हुआ था, लेकिन उसे यह बात का अनुमान नहीं था कि मैदान क्रिकेट की जगह जंग का मैदान बन जाएगा। जंग का मैदान इसलिए क्योंकि दोनों टीमों के विवाद के बाद मारपीट की जगह सीधे गोलीबारी शुरू हो गई। मेले में भेड़ की लड़ाई देखने के लिए उमड़ी भीड़। जिले में संक्रांत पर 50 साल से चली आ रही है यह अनोखी परंपरा। कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड के अखलासपुर गांव में मकर संक्रांति के मेले पर भेड़ की लड़ाई होती है, जहां जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हजारों लोग भेड़ की लड़ाई देखने के लिए आते हैं और 50 वर्ष से भेड़ की लड़ाई होते आ रही है। मेले में दो भेड़ की लड़ाई होती है, जिसका भेड़ विजयी होता है उस भेड़ को लोग अधिक दामों में खरीदारी करते हैं और भेड़ पालक को इनाम मिलता है। सरकार के बचाव में उतरे नित्यानंद राय, बोले जंगल राज में अपराधियों को मिलता था संरक्षण, लेकिन अब होती है कार्रवाई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बिहार में बढ़ते अपराध पर सरकार का बचाव करते नजर आ रहे हैं। नित्यानंद राय ने कहा कि जंगल राज में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, लेकिन एनडीए की सरकार में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है और सजा दिलाई जाती है। रुपेश हत्याकांड में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार पर हुई हमलावर एलजीपी, मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग। राजधानी पटना में मंगलवार को सरेआम इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की हत्या को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्षी नेता लगातार सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहे हैं। आरजेडी के बाद अब लोजपा ने भी मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर ली है। लोजपा नेता ने राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में मिले कोरोना के 314 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 25,79,043। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज पाए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के अनुसार 314 लोग कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25,79,043 हो गई है। बिहार में फिलहाल 4,248 लोग कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए हैं। सुपौल में भीषण सड़क हादसा, दो बसों की टक्कर में 18 यात्री घायल। सुपौल जिले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां दो बसों की टक्कर में 18 यात्री घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि छातापुर से पटना जा रही थी एक बस, जो सामने से आने वाली बस से जोरदार ठोकर लग गई। एक्सीडेंट सदर थाना क्षेत्र के NH 327 चैन सिंह पट्टी के पास हुआ है, जिसमें बस ड्राइवर समेत 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद बिहार में अब बर्ड फ्लू का मंडराया खतरा। मुजफ्फरपुर में मुर्गियों के बाद मरे कौवे और कबूतर। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू ने धीरे धीरे अपना पांव पसार दिया है।
और अब बिहार में भी यह पांव पसारने लगा है। बिहार में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। मुजफ्फरपुर में बड़ी तादाद में मुर्गियों की मौत के बाद कौवे और कबूतर मरे हुए पाए गए, जिसके बाद अब यह चर्चा हो रही है कि राज्य के अंदर भी बर्ड फ्लू की एंट्री हो चुकी है। बिहार आने से पहले ही 10 रोहिंग्या को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आ रहे थे राजधानी ट्रेन से, बिहार में प्रवेश करने से पहले ही 10 रोहिंग्या को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी राजधानी ट्रेन से सफर करते हुए बिहार घुसने की कोशिश कर रहे थे। यह कार्रवाई पुलिस ने न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर ही कर दी है। शराब माफिया पर सरकार की नकेल, 1.5 दर्जन धंधेबाजों की संपत्ति जब्त करेगी ईडी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराब बंदी अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। नीतीश कुमार की नजर अब ऐसे माफिया पर है जिन्होंने शराब बंदी कानून लागू होने के बाद अतुक संपत्ति बनाई है। शराब के अवैध कारोबार में शामिल ऐसे धंधेबाज पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। अब लगभग 1.5 दर्जन धंधेबाज की अवैध संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437।